हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनी की रेसिपी। तो आज मैंने बनाया है पाव, वो भी घर पे। तो मैंने एक कढ़ाई में पाव बनाया है, तो देखिए कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए, तो इसे तोड़ के भी मैं बताती हूँ। ये देखिए एकदम मार्केट जैसे ये बने हैं, तो आप इजीली इसे घर पे बना सकते हो और ये मार्केट से भी बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि इसे हम घर पे बनाएंगे तो सेटिस्फेक्शन रहेगा कि अच्छे ये शुद्ध बने हैं और फ्रेश हैं। तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते पहले हैं। हम पाव का आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया एक बड़ा बर्तन, इसमें हम डालेंगे गरम दूध। 1 कप गरम दूध डाल रही हूँ मैं यहाँ। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच शक्कर, जो खाने वाली घर में चम्मच होती है नॉर्मल, तो इससे मैंने 1 चम्मच शक्कर लिए, वो डालेंगे। अच्छे से इसे घोल लेंगे। गरम दूध यूज़ करें आप, तो शक्कर को हम घोल लेते हैं। तो शक्कर हमारी घुल गई है, अब हम इसमें डालेंगे ड्राई ईस्ट। तो ये ड्राई ईस्ट का मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आपके आसपास की दुकान पे ये इजीली मिल जाएगा। ये पैकेट 30 रुपए का है, तो आप 4 बार इसे पाव बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1 चम्मच ये डाल दूँगी, तो मैं इसमें ये डाल दे रही हूँ। तो ये 3/4 चम्मच है, यानी 1 चम्मच से थोड़ा खाली है, तो ये डाल रही हूँ मैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे और 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, इसलिए ये ईस्ट हमारी एक्टिवेट हो जाए। हमें 5 मिनट हो गए हैं, तो ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो गया है। हम इसमें डालेंगे मैदा। तो इसी कप से मैंने 2 कप मैदा छान के रखा है। तो 1 कप मैंने दूध यूज़ करा था, 2 कप मैदा मैंने उसी कप से लिया है, पर और छान के यूज़ करना है हमें। तो हम इसमें डाल देंगे, साथ में मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच नमक। अच्छे से मिक्स करके इसे इसका हम आटा तैयार कर लेंगे। हमें पानी वानी कुछ नहीं डालना, हम इसी दूध से आटा लगाएंगे। तो हम इसका एक आटा लगा लेंगे सॉफ्ट सा, ये गीला है लेकिन हम इसे जैसे नीट करते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, तो ये टाइट होते जाएगा। तो 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसे मसलते रहेंगे। तो हमने 5 मिनट तक इसे फेंट लिया है। अगर आपको ये ज़्यादा गीले लगे तो आप इसमें मैदा डाल सकते हो। तो अब मैं यहाँ डालूँगी बटर 1 चम्मच। बटर डालने के बाद भी हम इसे 5 मिनट और फेंटेंगे अच्छे से मिक्स करके इसे। तो हमने इसमें बटर मिक्स करके अच्छे से 5 मिनट तक फेंट लिया है। अब ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। आप यहाँ बटर की जगह घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसे 5 मिनट अच्छे से फेंट लिया है, अब ये एकदम स्मूथ और चिकना बन गया है, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो हम इसे एक बाउल में रख देंगे, ढक के रख देंगे 1 घंटे के लिए, ये फूल के डबल हो जाएगा। तो हमने 1 घंटे इसे रेस्ट करने रख दिया था। तो ये देखिए कितना डबल हो गया है फूल कर। तो हम इसकी सारी हवा निकाल के हम इसे फिर से मसल लेंगे। दो मिनट मसल लेंगे, फिर हम इसकी लोइया करके पाव बनाएंगे, पाव का सेक देंगे। दो 3 मिनट तक इसे मसल लिया, हम जिसमें पाव बनाएंगे उसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ये हम थाली में पाव बनाएंगे, तो इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, ऑयल फैला लेंगे हम। अब आटे से हम बॉल्स बना लेंगे। तो हम इक्वल साइज की बॉल्स बना लेते हैं। तो आटे से हमने 4 लोइयां कर ली हैं। तो मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। तो हमें इसे खींच के नीचे की तरफ इसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करके हम नीचे से दबा देंगे अच्छे से। तो ऐसे दबा नीचे से ऐसे दबा देंगे, तो ये अच्छे से दब गया है। तो
तो इस ये हमारी परफेक्ट हो गई है पाव के लिए। तो हम इसे और ग्रीस की हुई प्लेट पे रख देंगे। इसी तरह से हम सारी कर लेंगे। हमें आटा ऐसे ले खींच के नीचे ले जाना है और इसे बॉल का शेप देते हुए नीचे दबा देना है। तो देखिए ये रेडी हो गई है। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। तो हमने सारे आटे की बॉल्स बना ली हैं। तो हमें इसे 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो ये फूलेंगे तो हम थोड़ा ऊंचे बर्तन से इसे ढक के रख देते हैं। तो 20 मिनट के लिए हम रख देंगे इसे। रखे हुए से 10 मिनट हुए हैं, तो 10 मिनट अभी इसे रखने बाकी है। तब तक हम अपनी कढ़ाई प्री हीट कर लेते हैं। तो गैस ऑन करेंगे। यहाँ मैंने एक जाली स्टैंड लिया है और नमक डाला है। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर हम 10 मिनट के लिए इसे गर्म होने देंगे। 10 मिनट हो गए कढ़ाई को प्री हीट किए हुए। तो हम हमारा आटा देख लेते हैं, आटे की बॉल्स बनाई थी उसे। और इसे भी रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, ये साइज में फूल के डबल हो गए हैं। तो हम इनके ऊपर दूध से कोट कर देंगे, इससे इसका कलर अच्छा आ जाए। तो हल्का दूध लगा देंगे इसके ऊपर। तो हमने सारे बॉल्स को दूध से कोट कर लिया है, उनके ऊपर ब्रश से लगा दिया है। तो हम इसे कढ़ाई में रखेंगे अब। तो हम इसे कढ़ाई में रख देते हैं, इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 30 मिनट तक पकने देंगे। तो हमें 30 मिनट हो गए हैं। तो हम चेक करेंगे हमारे पाव को। तो देखिए ये अच्छे से बेक हो गए हैं, कलर आ गया। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। हमने कढ़ाई से इन्हें निकाल लिया है और इनके ऊपर हम घी लगा देंगे। आप बटर भी लगा सकते हैं। हमने इस पे ऊपर घी लगा दिया था और 5 मिनट इसे ठंडा कर लिया है। तो मैं आपको तोड़ के बताती हूँ इसे। देखिए कितने सॉफ्ट है ये। देखिए इसे प्रेस करते ये फिर से अपना साइज ले रहा है। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।